बीते कुछ दिनों से एजीआर के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की टेंशन की खबरें हर जगह सुर्खियां बनी हुई हैं। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया है क्योंकि 14 साल पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकाएक टेलीकॉम कंपनियों पर करीब 1.5 लाख करोड़ की देनदारी आन पड़ी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एजीआर में टेलीकॉम कंपनियों के कोर के साथ नॉन कोर कारोबार से होने वाली कमाई भी जोड़ी जाएगी। इस नॉन कोर बिजनेस में टावर, स्पेक्ट्रम, लाइसेंस वगैरह शामिल है। अब तमाम चर्चाओं आशंकाओं के बीच ये तो तय हो गया है कि टेलीकॉम कंपनियों को इस रकम से छूट नहीं मिलने वाली। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और टाटा टेलीकॉम ने शुरुआती भुगतान करके इस आदेश का पालन करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब इस एजीआर का असर ग्राहकों के फोन बिल पर पड़ना भी तय लग रहा है। दरअसल सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई से कहा है कि वो टैरिफ को फ्लोर लेवल यानी मिनिमम लेवल तय करने की प्रक्रिया में तेजी लाए। टेलीकॉम कंपनियों का भी मानना है कि सेक्टर की हालत सुधारने के लिए ये कदम उठाया जाना जरूरी है। हालांकि दिसंबर में इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी करते वक्त ट्राई ने इसे कंज्यूमर विरोधी कदम बताया था। अब कंसल्टेशन पेपर पर कमेंट्स की तारीख को बढ़ाकर 28 फरवरी और काउंटर कमेंट्स की तारीख को बढ़ाकर 13 मार्च कर दिया गया है। एयरटेल की मांग है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU को पहले बढ़ाकर 200 रुपए और फिर 300 रुपए तक ले जाने की जरूरत है। ARPU यानी एक ग्राहक से मिलने वाला औसतन फोन बिल। जाहिर है जब ये बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे तो लोगों का फोन बिल बढ़ना तय है। फिलहाल ARPU के तौर पर वोडाफोन आइडिया को 109, एयरटेल जियो को 130 रुपए से ज्यादा मिलते हैं। अब अगर ये रकम बढ़ाकर 200 और फिर 300 तक लेकर जाना है तो टैरिफ बढ़ाने के अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। वैसे भी दिसंबर में टैरिफ बढ़ाकर टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 9% बढ़ गया है। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही में इंडस्ट्री का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू घटने के बाद तीसरी तिमाही में इसमें सुधार आया है। हालांकि वोडाफोन आइडिया की हालत खराब होने का फायदा एयरटेल और जियो का मार्केट शेयर बढ़ने में मदद के तौर पर सामने आ रहा है। जियो का रेवेन्यू मार्केट शेयर यानी RMS 0.5% और एयरटेल का 0.1% बढ़ा है, जबकि वोडाफोन आइडिया का RMS 1% घट गया है। यहां तक कि दोनों कंपनियों के विलय के बाद से RMS 6.7% घट गया है। SBI कैप सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में तो दावा किया गया है कि अगले कारोबारी साल के आखिर तक तो जियो का RMS 42% और एयरटेल का 33% तक पहुंच सकता है। टैरिफ में बढ़ोतरी का फायदा भी जियो और एयरटेल के खाते में जा रहा है। अब AGR का मुद्दा सुलझने और मिनिमम फ्लोर प्राइस तय होने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में दो कंपनियों का ही कब्जा बचेगा या फिर वोडाफोन आइडिया वापसी करने में कामयाब रहेगी।